इसमें अपन फाइंड एंड रिप्लेस कमांड के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये एस्टीमेट है अपना, मैं यहाँ रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ, या फिर फाइंड, फाइंड तो अपन देख चुके हैं, रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एस्टीमेट अगर यहाँ पे पहले से आ रहा तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो अपने को टाइप करना पड़ेगा बराबर। और रिप्लेस विथ में कर देता हूँ टर्मिनेट बराबर। पहले इसको फाइंड कर लेंगे, फाइंड इन लिख के आ रहा है, मेन डॉक्यूमेंट कितने हैं, 9 वर्ड फाइंड किया उसने बराबर। जो फाइंड अपन ने किया आइटम, उसको ये पहले तो एक बार देखना, मोर में जाके मैच कैश और मैच होल वर्ड दोनों भी टिक मार्क करके रख देना। अब रिप्लेस में आना, रिप्लेस ऑल या फिर रिप्लेस पहला ऑल कर देना अगर ऑल करना हो तो। ओके क्लोज। अब देखो जहाँ जहाँ टर्मिनेट था ना वहाँ पे उसने एस्टीमेट लिख दिया बराबर। इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस होता है। इसमें अपन बुक मार्क के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये अपना एस्टीमेट है, इसका अपने को एक बुक मार्क बनाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, बुक मार्क पे क्लिक करूँगा, इसका नाम दे दूँगा एस्टीमेट बराबर, और इसको ऐड कर दिया मैंने। इसके अलावा ये कंटेंट ऑफ टेंडर का भी मैं बुकमार्क बना लूँगा, यहाँ पे जाके कंटेंट ऑफ टेंडर, इसमें स्पेस डालेंगे ना तो ये काम नहीं करेगा, इसमें से अपने को मिटानी पड़ेगी इस तरीके से ऐड बराबर। इन दो का बन गया बुकमार्क। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिज़ाइन का अपन बना लेंगे बुकमार्क बराबर। बुकमार्क खाली डिज़ाइन लिख देता हूँ मैं, और ये ऐड बराबर। अब इसका फ़ायदा क्या है कि मैं बुकमार्क पे आया, मुझे टॉप पे जाना है तो मैं स्क्रॉल करते नहीं बैठूँगा, गो टू कर दूँगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा बराबर। और मुझे अगर एकदम एंड में जाना है या डिज़ाइन वाले बुकमार्क पे, तो मैं यहाँ से गो टू कर दूँगा क्लोज बराबर। इस तरीके से ये काम करता है। क्रॉस रेफरेंस के बारे में देखेंगे अपन। क्रॉस रेफरेंस जब भी काम करता है जब हमारा कोई बुकमार्क हो। फॉर एग्जांपल इसको मैं बुकमार्क बनाता हूँ, एस्टीमेट को सेलेक्ट करता हूँ इसको, उसके बाद मैं बुकमार्क पे गया और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एस्टीमेट, और इसको मैंने ऐड कर दिया बराबर। अब चेक कर लेते हैं अपना बुकमार्क काम कर रहा है या नहीं। एस्टीमेट गो टू बराबर, सही है अपना बुकमार्क। इसके बाद अगर अपने को क्रॉस रेफरेंस बनाना है तो मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ एस्टीमेट के कुल कितने लफ्ज़ है अपने पास। ये देखो ये एस्टीमेट है बराबर, इस पर अपन क्लिक कर देते हैं। सॉरी यार, एस्टीमेट, एस्टीमेट एंटर बराबर। तो ये एस्टीमेट है अपना। अब इसका अपन क्रॉस रेफरेंस बनाएंगे, को सबको सेलेक्ट कर लो, क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पे आके बुक मार्क से बना रहे ना आप, बुक मार्क टेस्ट इंसर्ट, अब इसको क्लोज कर दो बराबर। अब देखो ये जो एस्टिमेट दिख रहा है, इससे मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा ना तो अपने को यहाँ पे आ जाएंगे आप, समझ में आया। यानी कि उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, यहाँ पे खाली वर्ड एस्टिमेट था, एस्टिमेट था ना वर्ड, लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा कि एस्टीमेट का डेफिनेशन क्या है, तो वो यहाँ पे आएगा, उसको बोलते हैं रेफरेंस। तो इस तरीके से जितने भी अपने पास एस्टीमेट के वर्ड रहेंगे ना, उसको अपन क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं। क्लिपबोर्ड के बारे में देखेंगे अपन। ये सामने से छोटा सा डायलॉग बॉक्स है, तो क्लिक करेंगे तो ये क्लिपबोर्ड ओपन होएगा। इसके अंदर अपन जो भी चीज़ कॉपी करते हैं ना,
वो क्लिप बोर्ड पे सेव हो जाती है इस तरीके से। ये देखो ये किया मैंने सेलेक्ट, कंट्रोल सी मारा तो यहाँ पे ये आ गए डिवीज़न ऑफ लेबर बराबर। अब मैं ये प्रिंसिपल को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, कंट्रोल सी यहाँ पे आ गई बराबर। कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स जो भी अपन कॉपी या कट करेंगे वो सबसे पहले क्लिप बोर्ड पर सेव होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को मैं लेता हूँ, कंट्रोल सी, ये तीनों चीज़ यहाँ पर आ गई बराबर। अब मुझे अगर पेस्ट करना है कहीं पे, फॉर एग्जांपल नया डॉक्यूमेंट पे, तो अगर मैं डायरेक्ट कंट्रोल भी मारूँगा तो मेरा फर्स्ट वाला पहले आएगा कॉपी। देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये कंट्रोल जेड मारूँ मैं, फर्स्ट मेरा ये वाला है बराबर, अभी लेटेस्ट जो मैंने कॉपी किया था। अगर मुझे इसको कॉपी करना है, इसको नहीं करना है, तो मैं इस पर आऊँगा और यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। फिर इसको कॉपी करना है मुझको, इसको तो इस पर क्लिक कर दूंगा मैं, इसको करना है तो इस पर क्लिक कर दूंगा बराबर। तो इस तरीके से क्लिपबोर्ड काम करता है। ऐसे मैं 200 चीज़ कंट्रोल सी मार के क्लिपबोर्ड पे सेव कर सकता हूँ, और अलग अलग जगह पे। अगर डायरेक्ट कंट्रोल भी मारूंगा मैं तो सबसे पहला वाला कॉपी होएगा। यहाँ पे भी दिखाता हूँ एक बार, कंट्रोल वी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सबसे पहले ये था ना। कितने बार भी मैं कंट्रोल वी मारूंगा ना तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ही कॉपी होगा क्योंकि वो फर्स्ट वाला है। लेकिन अगर मुझे नीचे वाले कॉपी करने हैं तो मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से, तो मैं जिस पे क्लिक करूँगा सिर्फ वही कॉपी होएगा। इस चैप्टर में अपन वर्ड बॉक्स के बारे में देखेंगे। इंसर्ट में जाओ, ये टेक्स्ट बॉक्स लिखा है, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओ, ये अलग अलग तरह के टेक्स्ट बॉक्स हैं, कोई भी अपन इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज़ करता हूँ। अब यहाँ अपन कुछ भी टाइप करो, फॉर एग्जांपल जे खान, जो भी टाइप करना है अपने को। जो भी तो अपन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि इसको अपन कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट जो अपन लिखते हैं उसको कहीं मूव नहीं कर सकते, लेकिन इसको अपन कहीं भी मूव कर सकते हैं बराबर। अब मैं इसको लिखा, मैं इसको इधर भी मूव कर सकता हूँ फ्री एकदम। इसके अलावा इस टेक्स्ट बॉक्स को अपन अपने तरीके से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आओ, इस तरीके से शेप आउटलाइन बराबर, जो बाहर की आउटलाइन है उसका शेप चेंज होगा, लाइन का वेट, लाइन की टाइप्स, जैसे भी अपने को चाहिए बराबर। इस तरीके से इसके स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं अपन। यहाँ दिख रहा नहीं, इसको साइड में लेता हूँ, इसके स्टाइल में आ जाओ, दिख रहा है इस तरीके से। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी ऑप्शन अपने को चाहिए वो अपन चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ जाओ तो इस तरीके से भी अपन इसको चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से अंदर के नंबर्स, इस तरीके से इसके कलर, आउटलाइन कलर, टेक्स्ट के खाली, टेक्स्ट के इफेक्ट्स, खाली टेक्स्ट रोटेट होंगे बराबर। इसके अलावा और कुछ है यहाँ पे? और कुछ नहीं यहाँ पे। इसके अलावा अपन देखो जब ये शेप फील्ड में जाते हैं ना अपन, टेक्स्ट फील्ड में, सॉरी इधर शेप फील्ड में, तो पिक्चर का ऑप्शन है, अपन ग्रेडिएंट भी डाल सकते हैं इस तरीके से, दिख रहा है। इसके अलावा पिक्चर भी डाल सकते हैं अपन कोई से भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर डाल दिया मैं तो ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। और अगर मुझे खाली पिक्चर चाहिए, टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो इसको टेक्स्ट डिलीट मार दो, खाली पिक्चर रखो इस तरीके से बराबर। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। इसका यूज़ अपन लेटर हेड बनाने के लिए करते हैं ज़्यादा करके। फॉर एग्जांपल मैं एक लेटर हेड बना के दिखाता हूँ, मैं टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने और इसके अंदर ये डाल दिया मैंने,
बराबर। इसमें क्यों बनाते हैं अपुन? क्योंकि उसका अपुन कहीं भी अलाइन कर सकते हैं, का फायदा खाली यही है। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, उसके अंदर मैं अपने शॉप का एड्रेस डाल देता हूँ इस तरीके से। एक तीसरा टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, इंसर्ट, उसके अंदर मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो अपन ने इस तरीके से सब चीज़ बना लिए। अब इसके अंदर अपन इंसर्ट में जाके, पिक्चर में जाके अपन कोई शेप लेते हैं, लाइन का लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन ले लिया अपन, इस तरीके से लाइन बना लिए। अब इसको मूव करके अपन यहाँ पर ले आते हैं, बराबर। उसके नीचे अपना एड्रेस रहता है, लेटर हेड बना रहे हैं अपन, थोड़ा सा और नीचे, बराबर। और इसको अपन ईमेल एड्रेस को इस साइड में रख देते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरफ। और अपना फ़ोन नंबर को अपन बाई तरफ रख देते हैं, या फिर इसी के ऊपर रख देते हैं अपन, बराबर। तो इसको बाई तरफ रख देता हूँ मैं, इस तरीके से रख देता हूँ, बराबर। अब मैं इसको पकड़ूंगा और इसके बॉर्डर्स में जाऊंगा, बॉर्डर्स किधर हैं इसके, यहाँ हैं, और उसको नो बॉर्डर्स बोल दूंगा। सॉरी, बॉर्डर नहीं, इसको क्लिक किया मैं, फॉर्मेट में गया, शेप आउटलाइन के अंदर जाके नो आउटलाइन पे क्लिक कर देता हूँ मैं, बराबर। इसी तरीके से मैं सबको करूँगा। इसको भी गया मैं, इंसर्ट में गया, फॉर्मेट में गया, शेप आउटलाइन के अंदर जाके नो आउटलाइन। तो इस तरीके से मेरा ये लेटर हेड तैयार हो गया, बराबर। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक डाला, मुझे यहाँ पे इमेज डालनी है, तो मैं डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कर सकता। अगर मैं डायरेक्ट इंसर्ट करूँगा तो क्या होएगा? ये इमेज मैंने इंसर्ट करी, चलो मैं इसको छोटा भी कर दूँ इस तरीके से, तो मैं इसको मूव नहीं कर सकता बराबर से। समझ रहे हैं? देखो, इसको मूव नहीं कर सकता मैं, इसीलिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जाके, वर्ड आर्ट के अंदर जाके, इसको तो अपन मूव कर सकते कहीं भी फ्रीली, इसके अंदर जाके इंसर्ट शेप में, शेप फिल में जाते हैं ना, वहाँ से जो पिक्चर अपने को चाहिए वो पिक्चर सेलेक्ट करो, ओके करो, अपने हिसाब से इसको एडिट करो, बराबर। इस तरीके से तब तो ये पेज पर है ना ये, तो इस पेज पे आप उनको किस पोजीशन में रखना है इसको, वो आप उन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मेट में जाओ, सॉरी, ये टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में जाओ, पोजीशन में जाओ, ये देखो इस तरीके से ये बीच में आ गई, इस तरीके से ये ऊपर आ गई, इस तरीके से यहाँ यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, जो भी पोजीशन अपने को चाहिए। और उसके अलावा आप यहाँ से ड्रैग करके भी इसको कहीं पर भी फिट कर सकते हैं। इसके अलावा अलाइन टेक्स्ट के बारे में देखेंगे अपन, फॉर्मेट में आओ, ये जो लाइन दी हुई है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन टेक्स्ट लाइन के बारे में देखेंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, टेक्स्ट लाइन में जाओ, टॉप, मिडल, बॉटम, इस तरीके से अपन इसको अलाइन कर सकते हैं, बराबर। इसके अलावा इंसर्ट, सॉरी, इस पर क्लिक करो, फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अपन इसकी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, जिस तरीके से भी अपने को चाहिए।
अब ये एक और टेक्स्ट बुक इंसर्ट करते हैं अपन। इस तरीके से इंसर्ट किया मैंने और इसके अंदर ये चीज़ डाल दी मैंने, बराबर। अभी यहाँ तक इतना ब्रॉड हो गया, इसको छोटा करते हैं अपन। तो जब छोटा करेंगे ना अपन, तो नीचे के टेक्स्ट इसके गायब हो जा रहे हैं, यानी ऑप्शन सी वगैरह ये देखो नीचे का सब गायब हो जा रहे हैं। अगर वो चाहिए या तो मैं टेक्स्ट को छोटा करूँ सबको सेलेक्ट करके, या फिर टेक्स्ट की साइज छोटी छोटी करूँ मैं, या फिर मैं इसको ड्रैग करके बड़ा करूँ। उसके अलावा मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, उसका नाम है क्रिएट लिंक। उसके लिए मुझे इसके बाजू में एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा इस तरीके का, बराबर। अब मैं इस पे क्लिक किया हूँ, अब मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, क्रिएट लिंक पे जाऊँगा, बराबर। ये बाल्टी की शक्ल आ गई, मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखो क्लिक किया, टारगेट टेक्स्ट बॉक्स इज़ नॉट एम्प्टी, ओके। इसको एम्प्टी करना पड़ेगा पहले अपने को, स्केप मारो, डिलीट मार दो, बराबर। अब क्रिएट लिंक, सॉरी स्केप, क्रिएट लिंक करता हूँ इसको, और इसको मैं लिंक कर देता हूँ, बराबर। तो इसके आगे के जो ऑप्शन थे वो यहाँ पे आ गए, समझ में आई बात। इसके अलावा इसको मैं बाद में चाहूँ तो ब्रेक भी कर सकता हूँ, देखो ब्रेक लिंक आ गया, ब्रेक लिंक कर दिया तो मैंने ये, हाँ दोनों अलग अलग हो गए। अब मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, और एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से, इसको भी मैं डिलीट मार दिया। अब मैं इसको इससे लिंक कर देता हूँ, क्रिएट लिंक, लिंक हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा ना, स्पेस आई वैसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ, देखो इसके आगे जहाँ जगह ख़त्म होगी वो इधर आएगा इस तरीके से। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स में एक और ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने का, टेक्स्ट बॉक्स में आओ, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, क्लिक करो। यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, और यहाँ पे अपन कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से कुछ लिखा और मैंने इसको सेलेक्ट किया, सबसे पहले तो यहाँ से फॉर्मेट दे देता हूँ मैं, और यहाँ जाके उसकी टेक्स्ट की साइज़ थोड़ी बढ़ा देता हूँ, बराबर इस तरीके से। अब देखो इस तरीके से जब ये है, मैंने पहले ही बताया था, तो ये टेक्स्ट पीछे चले जा रहा है। इसको अपने को पोजीशन देनी है, तो आप उन ड्रैग भी कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट में जाओ, पोजीशन में जाओ, इस तरीके से भी अपन पोजीशनिंग इसकी कर सकते हैं, तो वो छुपेगा नहीं इस तरीके से, बराबर। इसके अंदर इक्वेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये बुलेटिन इक्वेशंस है, इसको अपन यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। इस पर क्लिक करो, एक्स का नाम चेंज करना है तो चेंज कर दो, यहाँ पे एन चेंज करना है तो इसको चेंज कर दो, इसको चेंज करना है इसको कर दो, इसको चेंज करना है इसको कर दो, फॉर समझ गया ना। तो इस तरीके से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसका व्यू भी अपन चेंज कर सकते हैं, ये प्रोफेशनल व्यू है, लीनियर व्यू डालेंगे तो इस तरीके से आएगा, और ये डिस्प्ले व्यू है, चेंज टू लाइन इन करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। वापस इस पर क्लिक करके चेंज टू डिस्प्ले करेंगे तो ये इस तरीके पर आ जाएगा, बराबर। उसके अलावा यहाँ बहुत कुछ है जो भी आप चाहे यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से, बराबर। इसके अलावा इंसर्ट के अंदर सिंबल्स भी है, जो भी सिंबल्स अपने को चाहिए वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और अगर और भी सिंबल चाहिए तो मोर सिंबल्स पे जाओ, और यहाँ से जो भी अपने को चाहिए वो सेलेक्ट कर लो, बराबर। इसमें आप लाइन नंबर्स के बारे में देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी कितनी लाइन पे वर्क एथिक लिखा हुआ है, या इसके अंदर कितनी लाइन है ये पैराग्राफ में अपने को पता नहीं है। तो लाइन नंबर में जाने के लिए पेज लेआउट में जाओ,
यहाँ लाइन नंबर्स लिखे रहेंगे, कंटिन्यूअस लिखा इस पर क्लिक करो तो इस तरीके से लाइन नंबर आ जाएगा बराबर, 29 के बाद 30 कंटिन्यू हो रहा है, 59 के बाद 60 इस तरीके से। इसके अलावा अगर मैं करूँ स्टार्ट ईच पेज तो इस तरीके से आएगा, ईच पेज की अलग लाइनिंग नंबर रहेगी और इस पेज की अलग। इसके अलावा एक और ऑप्शन है रिस्टार्ट ईच सेक्शन भी है, तो उसको भी अपन यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अपन एंड नोट और फुट नोट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले फुट नोट देखते हैं। फुट नोट क्या होता है कि यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ लिखा हूँ और उस चीज़ के बारे में मैं कुछ एंड में डिस्क्राइब करना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पर लिखना नहीं चाहता हूँ। अपन ने देखेंगे कोई डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ स्टार बना हुआ रहता है और कंडीशन अप्लाई लिखा रहता है और नीचे वो कंडीशन लिख के आती है, तो इसलिए फुट नोट्स इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लीज़ सेंड मी नोट्स ऑन माई एड्रेस, लेकिन एड्रेस मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, तो यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट करता हूँ मैं और यहाँ पर लिख देता हूँ सेंटा क्रूज वेस्ट दौलत नगर नंबर 3 रिलीफ रोड मुंबई 54 बराबर, इस तरीके से। तो इस तरीके से वो मेरी नोट्स ऐड हो गई। लेकिन देखो आप एड्रेस के पहले क्या आएगा लिख के, 1 लिख के आएगा, एक फुट नोट्स मैंने डाला हूँ और क्या है वो सेंटा क्रूज वेस्ट। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी डाल सकता हूँ कॉल मी फैनी क्वारी, लेकिन मैं नंबर डाला नहीं अपना, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा और इंसर्ट फुट नोट कर दूँगा। मेरा नंबर जो है वो 02226054868 जो भी है, इस तरीके से मैं यहाँ पर डाल दूँगा। इसके अलावा जितनी चीज़ें मैं चाहूँ वो यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो वो इस तरीके पर दिखाएगी। एंड नोट्स और फुट नोट्स में कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि फुट नोट्स के अंदर अपन जो भी टाइप करेंगे वो उस पेज के आखिर में आएगा, लेकिन एंड नोट्स के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में वो एक अलग पेज बनाएगा और उस पेज के ऊपर वो लिख कर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट में ईमेल आईडी के बारे में पूछा है उसने, सेंड मी मेल, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इंसर्ट नोट करूँगा एंड नोट और अपना ईमेल आईडी डाल दूँगा। एंड नोट्स में क्या होता है कि अपन जो भी लिखते हैं वो सबसे एंड में आता है डॉक्यूमेंट के। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफेशनल फ़ीस के बारे में मैं एंड नोट्स इंसर्ट करता हूँ कि इट विल बी इन कैश जो भी है, तो देखो ये कहाँ पे आया एकदम जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट मेरे ख़त्म हो गए उसके बाद। तो ये बुनियादी फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में। इसके अंदर अपन सिटेशन के बारे में देखेंगे, रेफरेंस में जाएंगे तो अपने को इंसर्ट सिटेशन का ऑप्शन मिलेगा बराबर। ये यूज़ इसलिए होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपन कोई बुक लिख रहे हैं और कोई डेटा अपन नेट विकीपीडिया से या किसी और की बुक से ले रहे हैं तो उसका अपन को रेफरेंस देना पड़ता है बराबर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं कुछ डेटा विकीपीडिया से ले रहा हूँ, तो विकीपीडिया से अपन कुछ लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी किया अपन ने और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिए। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी नहीं है, अपन ने विकीपीडिया से लिए, तो उसके लिए अपन को यहाँ जाके एड न्यू सोर्स करना पड़ेगा बराबर। टाइप ऑफ सोर्स अपना कोई बुक नहीं था बल्कि वेब था, तो अपन वेब पे आएंगे, वेबसाइट बराबर, ऑथर का नाम जो भी है, उसके बाद नेम ऑफ वेब पेज वो लिखेंगे अपन, ये सारी डिटेलिंग भरेंगे अपन बराबर। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें अपन भरेंगे, उसके बाद इसको ओके करो तो देखो असांज 2014 इसके आगे लिख के आ रहा है, यानी कि यह इन्फॉर्मेशन अपनी नहीं है बराबर, उसके आगे रेफरेंस बन के आ जाएगा इस तरीके से। इसके अलावा एक और रेफरेंस बनाता हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एड्रेस है ये तो मेरा है ना, मेरी बनाई हुई नोट्स है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये नोट्स आ गई। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट में जाके देखो यहाँ पे एक आ गया असांज का,
ऐड न्यू सोर्स करता हूँ, ऑथर का नेम मैं अपना डाल देता हूँ जावेद खान, लेकिन ये इस बार बुक सेक्शन में से जावेद, टाइटल जो भी हो। सिटी मुंबई, पब्लिशर कुछ भी अंटू पंडू डाल दो और इसको ओके कर दो। बराबर, तो यहाँ पे भी देखो जावेद 1998 इस तरीके से लिख के आ रहा है। इसके अलावा इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं अपन। ये देखो चिकागो कर दिया मैंने, तो देखो कॉमा गायब हो गया इन दोनों के बीच में से, तो ये अलग अलग स्टाइल है इस तरीके से। इसके अलावा मैनेज सोर्स में जब जाएंगे अपन, तो देखो दो चीज़ें दी हुई है, एक ये और एक ये रेफरेंस जो अपन ने यूज़ किया, उसको डिलीट भी मार सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं अपन और नया भी ला सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे बिब्लियोग्राफी है, उस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो जो दोनों भी बिब्लियोग्राफी यानी जो दोनों भी अपन ने रेफरेंस लिए हैं उसका डिटेल में डिस्क्राइब किया है इसने। असांज ने डाला है 2014, ये जावेद खान ने डाला है 1998, बुक का नाम ये वो, सारी डिटेलिंग बिब्लियोग्राफी के अंदर आ जाती है। इसके अंदर अपन कैप्शन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कुछ पिक्चर्स अपन इंसर्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 बहुत हो गई इंसर्ट इस तरीके से। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं अपन, इस तरीके से छोटी करते हैं हम इसको, इसको भी और इसको भी और ये आखिर में ये भी। अब इस तरीके से आ रही है, अपने को सब अलग अलग चाहिए तो यहाँ पे आओ, जैसे ही वो कर्सर का मार्क्स बनता है डबल क्लिक मारो, एंटर मारो ऐसे इस तरीके से। देखो ये आया कर्सर, क्लिक मारे एंटर, बिल्कुल इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी एंटर और सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी एंटर। बराबर, इस तरीके से चारों अलग हो गई। बराबर, अब इसके अंदर अपने को कैप्शन डालना है, तो उसके लिए रेफरेंस में आओ, इंसर्ट कैप्शन में जाओ, ये फिगर वन बोल रहा है। बराबर, अब इस ये अगर अपनी इमेज है तो अपन इमेज रखेंगे, टेबल है तो टेबल, फिलहाल अपनी इमेज है। और नंबरिंग का फॉर्मेट जैसा भी अपने को चाहिए, फिलहाल 1 2 आ रहा है, ABC भी कर सकते हैं अपन उसको, ओके कर दो। देखो फिगर ए हो गया, अब इसको मैंने ओके किया, वो अपने टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए हुआ। देखो अब इसको सेलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट कैप्शन फिगर ए, नंबरिंग चाहे तो अपन यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, ओके, और यहाँ से मैंने इसको ओके मारा तो ये फिगर वन आ गया। बराबर, इसके अलावा इसके अंदर मैं आया इंसर्ट कैप्शन आइटम्स अबो या बिलो जो भी चाहूँ मैं कर सकता हूँ, और मैंने इसको सीधा ओके बोल दिया। इस पर आया इंसर्ट कैप्शन सीधा ओके, वो सिटिंग अपनी कंटिन्यू रहती है, इस पर आया ये 4 अपने आप आ चुका है, तो इस तरीके से अपनी आ गई। बराबर, इसके अलावा अगर मुझे इसके दरमियान में कहीं पर एक और इमेज इंसर्ट करनी है तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा, एक इमेज इंसर्ट किया, इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा मैं इस तरीके से। बराबर, अब इसके अंदर कोई वो नहीं आ रही है कैप्शन, तो इस पर मैं क्लिक किया, रेफरेंस में गया, इंसर्ट कैप्शन में गया, ओके कर दिया। बराबर, अब देखो ये अपने आप 1 2 और ये अपने आप 3 बन गई और ये 4 बन गई और ये 5 बन गई। बराबर, इसके अलावा अगर मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, देखो 1 है 2 वाली फिगर अपनी डिलीट हो चुकी है ये वाली, तो मैं सबको सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए, इधर राइट क्लिक मार के अपडेट फील कर दूँगा। बराबर,
ये वन हो गई, सॉरी इसको भी डिलीट मार दिया ना, बराबर वन है, थ्री है, फोर है, फाइव है, बराबर। लेकिन बीच में क्या टू आना चाहिए, तो सबको सेलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक मारो, अपडेट फील्ड कर दो। तो देखो ये वन हो गई, ये टू हो गई, ये थ्री और ये फोर। इसके अलावा इसके अंदर आप एडिट कर सकते हैं, इसके बाजू में क्लिक करके जो भी चाहे अपन लिख कर इसको एडिट कर सकते हैं, बराबर। इसके अलावा अपन इस इमेज का एक टेबल भी तैयार कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इस पर क्लिक करो और सीधा ओके कर दो, इसको ज़्यादा एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अपना टेबल बन गया, देख रहे हो। अब अगर मैं कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट वो अपने को उस इमेज पर भेज देगा, बराबर। इस तरीके से, बराबर। अब अगर मैं समझ लो यहाँ पे से कुछ एडिट किया इस इमेज में, तो ये इमेज वन कर दिया मैंने, इसको भी एडिट किया, सिर्फ इमेज टू रखा, बराबर। लेकिन वो चेंजेस अभी तक यहाँ पर आया नहीं है, तो मैं इन पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक मारूँगा, अपडेट फिल कर दूँगा, अपडेट एंटायर टेबल कर दूँगा, ओके, बराबर। तो इस तरीके से वो फील्ड भी अपडेट हो गई। जिस तरह आपने इमेज का कैप्शन किया था, बिल्कुल उसी तरह आप इक्वेशन का भी कैप्शन कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने उसका किया था फिलहाल सेम उसी तरीके से आप इसका भी कर सकते हैं, बराबर। रेफरेंस में आओ, इंसर्ट कैप्शन में जाओ, इस बार अपना फिगर नहीं इक्वेशन से, तो इक्वेशन लो, इसको लेबल चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, माई ई क्यू लिख दो, ओके, तो यहाँ पे माई ई क्यू आ जाएगा, बराबर। अब इसको डिलीट करना है तो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, इसको मैंने ओके किया तो ये यहाँ पे आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था कंट्रोल जेड मारो, इस बार अपने को यहाँ पे चाहिए इंसर्ट कैप्शन माई ई क्यू, ओके, बराबर। और इस पर क्लिक करो, इसको लीनियर कर दो, सॉरी इसको जस्टिफिकेशन में लेफ्ट कर दो, ओके, बराबर। अब दूसरा इसका है सेम उसी तरीके से, रेफरेंस में, इंसर्ट कैप्शन में, ओके, इस तरीके से आ गई है, इस पर क्लिक करो, जस्टिफिकेशन में इसको लेफ्ट कर दो, बराबर। तो इस तरीके से, बराबर। और इसकी भी आप सेम उसी तरीके से टेबल भी बना सकते हैं, कहाँ गया, रेफरेंस पे था ना वो, रेफरेंस में जाके आप इसका भी टेबल बना सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से इसका भी टेबल बन जाएगा।